सदा मेरा स्मरण करता है, उसका मैं उद्धार कर देता हूं। जो मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, मैं उन्हें भवसागर से पार करा देता हूं। मेरे लिए सभी भक्त एक समान है। नमस्कार, प्रणाम, ओम साई राम। आपण मानक पुणि थे स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई किशुन साई परिवार को। आशा आपण मैंने बाबा कृपा निश्चित भाव में भल और सुस्थ थे। हाँ, जदि प्रथम थर यह चैनल भिडियोटी देखुं तेज दयाक चैनल टी सब्सक्राइब कर भिडियोटी को गोटे लाइक कर दिंतु, फलर यह भल भल विषय वस्तु सब देखा पाथे। जेपरी जानती आज शनिवार आज साई सन्देश सीरीज्र एक नुआ सन्देश शुणवार समय, सुतरा आउ डेरी नकरी आसंतु सुनिबा आजिरो बाबांकर एहि दिव्य संदेश। ओम साईराम। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सभी इस रंगमंच पर होने वाले नाटक के कलाकार हैं। नाटककार तो वो है हम सबका मालिक। मालिक नाटक लिखता है और हम सब उसके नाटक में अभिनय करते हैं। जिंदगी भर नाटक ही तो करता है इंसान, अभिनय तो उसकी रग रग में है। पैदा होते समय इंसान रोकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और बड़ा होता है तो अपना दुख छुपाने के लिए झूठी हंसी हंस देता है, और सुखी होने का नाटक तो हमेशा उसका चलता ही रहता है। अंतिम घड़ी आती है तभी इस नाटक पर पर्दा गिरता है, फिर वो दूसरा जन्म लेकर फिर से नाटक में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन ये नाटक विकारों से भरा पड़ा है, इसलिए इंसान नाटक के इस चक्र को तोड़ना चाहता है, क्योंकि झूठी शान, झूठी हंसी, झूठा रोना, इससे तंग आ जाता है इंसान। मुक्ति चाहता है इस नाटक से, लेकिन मुक्ति कैसे मिले, कौन दे उसे मुक्ति? याद रखो, मुक्तिदाता नाटककार है, हम सबका मालिक है वो नाटककार। उस नाटककार की शरण में जाओगे तो ही तुम्हारा उद्धार होगा, तो ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। फिर ना होगा तुम्हारे लिए कोई रंगमंच और ना ही होगा कोई नया नाटक। इसलिए कि लोग दान देना ना भूल जाए, मेरा भिक्षा मांगना इसलिए जरूरी है। दरवाजे पर आया हुआ कोई भी याचक खाली हाथ न लौटे, अपनी जिद, अपना अहंकार और अपना हट त्याग कर हर किसी को विनम्र होना चाहिए, हलीम होना चाहिए। इसलिए मेरा भिक्षा मांगना जरूरी है। भिक्षा मांगने का मतलब है अपने अभिमान की आहुति देना। हमें जो भिक्षा देता है, हमें उसके सामने सिर झुकाना पड़ता है, क्योंकि देने वाला दाता है, मालिक का रूप होता है उसमें। पांच का बहुत महत्व है हमारी जिंदगी में। हमारी पांच इंद्रियां हैं, पंच प्राण हैं, हमारे पास पांच उंगलियां हैं, पंचारती से पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं उस मालिक की, पांच महाभूतों की, पांच तंत्र, इनको हम महत्व देते हैं, पांच कन्याओं की पूजा करते हैं,
गांव की सभा में जो न्याय करते हैं उसे पंचायत कहते हैं और न्याय करने वालों को पंच कहते हैं। जो गिनती में पांच होते हैं उनके मुख से जो भी न्याय निकलता है वो साक्षात परमेश्वर के मुख से निकलता है। सीता, तारा, देवकी, मंदोदरी, सावित्री, इन पांचों को सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कहते हैं। मुझे शक्ति दे ताकि मैं अपने भक्तों की लाज रख सकूं, उनके वचन पूरे कर सकूं, मेरे भक्तों के प्रण, उनके वादे न पूरे हुए मालिक, तू मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा और मुझ पर विश्वास न करने का मतलब तुम पर अविश्वास। आज जो लोग मुझ पर श्रद्धा रखते हैं वो श्रद्धा नहीं रहेगी, श्रद्धा जाएगी तो आस्था भी साथ जाएगी, फिर भक्ति कहां से आएगी। हे मालिक, तुमने मुझे सबको करुणा देने के लिए भेजा है, अब मैं तुमसे करुणा मांग रहा हूं। हे करुणा कर, करुणा करो, दया करो। सदा मेरा स्मरण करता है, उसका मैं उद्धार कर देता हूं। जो मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं मैं उन्हें भवसागर से पार करा देता हूं। मेरे लिए सभी भक्त एक समान हैं। मैं अपने भक्तों से कभी पक्षपात नहीं करता। जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है, उसी भाव से मैं उसे फल देता हूं। सबका मालिक एक।